सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। जिंदगी के मजे लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। आज का पंचांग 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:31 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर ही रहेंगे। मेष राशि 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार, आज के दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी महसूस कर रहे हैं और काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो गया है तो आज अपने अंदर असीमित ऊर्जा अनुभव करेंगे जिससे आपके ये अधूरे काम संतोषजनक ढंग से पूरे हो पाएंगे। कोई नया काम शुरू करने के स्थान पर पुरानी और व्यर्थ हो चुकी योजनाओं को हटाने और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी समय उत्तम है। किसी भी अनिर्णय की स्थिति में वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन ले। आज कड़ी मेहनत और परीक्षा का समय है परंतु आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। पारिवारिक गतिविधियों में भी अपना योगदान देने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। दिन की शुरुआत से ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित स्पष्टता महसूस होने लगेगी। इस कारण जीवन में अनुशासन बनाए रखें, अपने लक्ष्य के लिए तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। अधिकतर समय काम में व्यस्त रहेगा। काम से जुड़ी जो भी बातें प्रगति की ओर बढ़ रही है उनके लिए ध्यान देना होगा। करियर संबंधित बातों के लिए दिन अत्यंत लाभदायक होगा। नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन शुभ है। अपने अहंकार को दूर रखकर पार्टनर के साथ बात करने की कोशिश करनी होगी। बदन दर्द और जोड़ों से संबंधित तकलीफ और शक्ति है ध्यान रखें। सावधानियां, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ किसी गलतफहमी की वजह से संबंधों में खटास आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। अकारण ही मन में उदासी जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। बच्चों की गतिविधियों में उनका मार्गदर्शन अवश्य करें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन सुखद व्यतीत होगा तथा मनोरंजन और आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा। आज के दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ समय के लिए अपने करियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में सब कुछ पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, परंतु अब अपने रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। बात करते हैं करियर की। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये समय अपना हुनर रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को दिखाने का है और हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपके करियर को
आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आप इस काम को सही ढंग से कर पाएंगे तो यह आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। आपको अपने घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठाना होगा ताकि आप दोनों क्षेत्रों को आनंद उठा सकें। लापरवाही की वजह से नुकसान की स्थिति बन सकती है। अपने काम या प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर सावधान रहें। बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल सकता है या कोई डील कैंसिल हो सकती है। नौकरी में ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। बात करती हैं सेहत की। आपको आज अपने ऑफिस के काम के कारण बिना बात की चिंता और तनाव भी रहेगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ऐसा करने की कोशिश से आप व्यर्थ का तनाव ही मोल लेंगे जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी। इन सब चीजों के स्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे। आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले व्यायाम करने चाहिए। आज का उपाय, आज अब माता लक्ष्मी जी की पूजा करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।